सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। केंद्र सरकार ने मंजूरी दी तो सुप्रीम कोर्ट में जल्द होगी 34 न्यायाधीश। भविष्य में देश के प्रधान न्यायाधीश बन सकते हैं जस्टिस पारदीवाला। पीएम मोदी ने की भविष्य भीषण गर्मी से निपटने और मॉनसून से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा। अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रवर्तन निदेशालय ने पीएसयू कंपनियों को घटिया कोयले की बिक्री से जुड़े मामले में आरोप पत्र किया दाखिल। मस्जिद में अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं। विवादों के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। प्रेस की आजादी के मामले में अमेरिका ने पाक को धोया। अफगानिस्तान से भी बदतर हालात। उर्दू पत्रकारिता में शोध के लिए आईआईएमसी और एमएएनयू करे मिलकर प्रयास। एमओयू पर हुए हस्ताक्षर। रणनीतिक रिश्ते और प्रगाढ़ करेंगे भारत और फ्रांस। दुनिया में खाद्य संकट की चुनौती पर साथ लड़ेंगे दोनों देश। झारखंड में अवैध माइनिंग को लेकर ईडी की दिल्ली से मुंबई तक 18 ठिकानों पर छापेमारी। कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद। हिमाचल में पुलिस भर्ती परीक्षा में बड़ा खुलासा। 6 से 8 लाख में बिके थे प्रश्न पत्र। अब हुआ पर्दाफाश। बाला साहेब का पुराना वीडियो शेयर करने पर शिवसेना नेता संजय राउत का राज ठाकरे को जवाब। बोले 50 सालों में क्यों नहीं। विदेश यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए 9 महीने से पहले कोविड-19 ऐतिहासिक खुराक की सिफारिश। बैठक में एनटीएजीआई ने रखा प्रस्ताव। बम्बोले की गूंज के साथ खुले केदारनाथ के कपाट। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर ध्यान देने की जरूरत। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले पीएम मोदी की इजराइल यात्रा के बाद संबंधों को मिली गति। दोनों देशों के लोगों के बीच काफी उपनत्व। रेलवे की एनटीपीसी परीक्षाओं के लिए चलेगी 65 से अधिक स्पेशल ट्रेनें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान। आगरा में 100 दिनों का एजेंडा होगा पूरा। ताजनगरी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मेट्रो प्रोजेक्ट के कार्यों का निरीक्षण किया। गाजियाबाद में कांस्टेबल ने किया सुसाइड। प्रेम प्रसंग बना आत्महत्या की वजह। मृतक कांस्टेबल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लखीमपुर खीरी में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। 6 दिनों से लापता युवक का शव बरामद। सीतापुर में एटीएम बदलकर टप्पेबाजों ने पार किए 55,000 फोटो। मिलने के बावजूद पुलिस नाकाम। सीतापुर में मिश्रिख तहसील का औचक निरीक्षण जिलाधिकारी।
अनुज सिंह के निरीक्षण से हड़कंप। गाजियाबाद में चोरों के हौसले बुलंद, शटर तोड़कर चोरी की घटना को दिया अंजाम। 22,000 नकदी और इन्वर्टर चोरी, पास की दुकानों के भी ताले तोड़ने का प्रयास। गोरखपुर में 3 दिवसीय दौरे पर प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह, विकास कार्यों की जांचेंगे रफ्तार। हमीरपुर में जिला अस्पताल के लेबर रूम का वीडियो वायरल, लेबर रूम में 2 डॉक्टर करते दिखे विवाद। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप, अपर निर्देशक स्वास्थ्य जांच करने पहुंचे। मस्जिद पर लाउड स्पीकर लगाने की मांग पर इलाहाबाद हाई कोर्ट भी असहमत, खारिज की याचिका। नशा छुड़ाने के नाम पर मुक्ति केंद्र में यातनाएं, शराब के आदि युवक की मौत के बाद आगरा में हंगामा और तोड़फोड़। खुद के बयान में फंसे बैंक अफसर, कानपुर के रिजर्व बैंक की गाइडलाइन में तथ्यायसा में लॉकर इंचार्ज के खिलाफ दायर होना चाहिए चार्जशीट। मुरादाबाद में गले में तख्ती टांग कर एसपी के सामने पहुंचा गौ तस्कर, बोला मुझे गिरफ्तार कर लो नहीं तो पुलिस एनकाउंटर कर देगी। आगरा में यूपी की पहली उद्योग आधारित बहुमंजिली ग्रीन बिल्डिंग, कानपुर का भी आया नंबर। घरेलू बिजली कनेक्शन लेना हुआ आसान, बिजली निगम ने सरल की कनेक्शन लेने की प्रक्रिया। झांसी में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, चाचा शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं, हम तो आजम खान के साथ। शूटर अमन सिंह के बदले बोल, कहा डॉक्टर भगवान होता है, हम उससे रंगदारी मांगेंगे, फंसा रही पुलिस। पैर से दिव्यांग, लखनऊ की प्रगति ने हाथों को बनाया ढाल, जॉर्डन में अंतर्राष्ट्रीय पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में करेगी देश का प्रतिनिधित्व। लखीमपुर में नशे में धुत डॉक्टर ने मरीज से किया भद्रता, केबिन में बैठकर पीता है शराब, वीडियो हुआ वायरल। वेस्ट यूपी में अवैध कमाई से बनाई अरबों की संपत्ति, जमींदोज कर चुका बुलडोजर, अब याकूब कुरैशी पर गैंगस्टर लगाने की तैयारी। विधुना तेजाब कांड में झुमकी ने बनवाने, झुमकी ना बनवाने पर प्रेमिका से हुआ था विवाद, पुलिस ने सर्विलांस के जरिए दबोचा। दालों की कीमत में आई भारी गिरावट, लखनऊ के बाजारों में 94 से 95 रुपए प्रति किलो भाव में बिक रही दाल। एमबीए के साथ बी फार्मा भी करने का मौका, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में पढ़ाई के साथ कमाई का भी अवसर। प्रयागराज के 35,000 लोगों का राशन कार्ड 1.5 साल से नहीं बन सका, केंद्र और प्रदेश सरकार की मुफ्त राशन योजना कोरोना काल में उपलब्ध की गई थी। गाजियाबाद में बेसहारा गौवंशियों को पकड़ने सड़कों पर उतरा नगर निगम, पहले दिन पकड़े 20 गौवंश। औरैया में सड़क हादसा, अनियंत्रित ट्रैक्टर ने टक्कर से स्कूल जा रही छात्रा ने तोड़ा दम, हादसे में मौत के बाद परिवार वालों का बुरा हाल।
के स्मार्ट बनेंगे। यूपी के सभी गांव ग्राम सचिवालयों में मिलेगी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी और मुफ्त वाईफाई की सुविधा। अयोध्या को जलवायु स्मार्ट सिटी बनाने जा रही योगी सरकार, क्लाइमेट चेंज के प्रभाव से बचने के होंगे खास प्रबंध। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शत्रु संपत्ति मामले में सपा विधायक आजम खान की जमानत पर निर्णय किया सुरक्षित। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे को भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का अल्टीमेटम, उत्तर भारतीयों से माफी मांगे तब अयोध्या में एंट्री। लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा के लिए 2.47 लाख अभ्यर्थी हुए शॉर्टलिस्ट, कट ऑफ अंक किया गया जारी। सीएम धामी ने दी तीर्थ यात्रियों को शुभकामनाएं, कहा भगवान केदार की कृपा जनमानस पर बनी रहे। विधि विधान से खुले केदारनाथ मंदिर के कपाट, 10,000 से अधिक श्रद्धालु बने पावन पल के साक्षी। जय बाबा केदार के जयकारों से गूंज उठा केदारनाथ धाम, कपाट उद्घाटन के समय 10,000 यात्री रहे मौजूद, तस्वीरों में यात्रा का उत्साह। अनोखी है केदारनाथ मंदिर की कहानी, कहते हैं धाम में 6 माह तक जलता रहता है दीपक। परिसंपत्तियों के विवादों के निपटारे की कवायद के बीच कांग्रेस ने धामी सरकार पर बोला हमला, बताया उत्तराखंड के साथ धोखा। काशीपुर में ईद मनाने घर आए दरोगा पर हमला, गंभीर हालत में चल रहा इलाज, परिजनों ने पुलिस को मामले की तहरीर दी। उत्तराखंड हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में दूसरे न्यायाधीश बनेंगे जस्टिस धुलिया, हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं और न्यायिक क्षेत्र में खुशी का माहौल। दिन से कीमतों में कोई बदलाव नहीं, देहरादून में 103 रुपए में मिल रहा पेट्रोल, डीजल 97 रुपए 34 पैसे में मिल रहा। चारधाम यात्रा के लिए जबरदस्त उत्साह, अब तक 6.5 लाख श्रद्धालुओं ने कराया पंजीकरण। नकली नोट चलाने वाले गिरोह के 4 सदस्य देवप्रयाग से गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस का सिपाही भी गिरोह में शामिल। देहरादून में बैंक के बाहर युवक से लाखों की लूट, पुलिस ने चारों तरफ की नाकाबंदी। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा में नई पहल, हर जिले में वर्चुअल लैब, 1 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने छोड़ी पार्टी, कहा पार्टी में अंतर्कलह से दुखी। मसूरी के पास बस के ब्रेक फेल होने से अगला हिस्सा पैराफिट तोड़कर हवा में लटका, बाल बाल बची 28 सवारियां। देश के 11 राज्यों से अधिक है उत्तराखंड में बेरोजगारी, पलायन की सबसे बड़ी वजह, 6 साल में प्रदेश की बेरोजगारी दर 4 गुना बढ़ी। ब्लड क्लॉटिंग के रिस्क के चलते अमेरिका ने जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई।
पाक मंत्री मरियम औरंगजेब का बड़ा दावा, कहा नए पीएम शहबाज शरीफ ने दो हफ्ते में सुधारी देश की अर्थव्यवस्था। कोरोना से मौतों की डब्ल्यूएचओ के आंकड़े को भारत ने किया खारिज, मॉडल की वैधता और डाटा संग्रह की कार्यप्रणाली को बताया संदिग्ध। तो भारतीय अमेरिकी टेक्नोक्रेट टॉप 50 आईटी लीडरों में शामिल रिचर्ड वर्मा बनेंगे बाइडेन के इंटेलिजेंस एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य। रूसी जर्नलों को मारने के लिए अमेरिका ने की यूक्रेन की खुफिया मदद, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। यूएन में बोला भारत, युद्ध की वजह से आसमान छू रही तेल की कीमतें, खाद्यान्न और उर्वरकों की कमी। इसराइल में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अज्ञात हमलावरों ने की गोलीबारी, 3 लोगों की मौत और 4 घायल। एलन मस्क ट्विटर के अस्थायी सीईओ के रूप में संभाल सकते हैं पदभार, रिपोर्ट में जताई गई संभावना। हिटलर को यहूदी बताने वाले लावरोव के बयान पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जताया खेद, नाफ्ताली बेनेट से फोन वार्ता के दौरान माफी मांगी। स्टील फैक्ट्री में आमने सामने की लड़ाई, सटीक अमेरिकी सूचना पर मारे जा रहे रूसी सैन्य अफसर। आरबीआई की दर में वृद्धि के एक दिन बाद 5 बैंकों ने बढ़ाई एफडी दरें, फिक्स्ड डिपॉजिट वालों के लिए अच्छी खबर। खुदरा निवेशकों के हिस्से को मिला पूरा अभिदान, कुल मिलाकर 1.1 गुना हुआ सब्सक्राइब, सरकार बेच रही है अपनी 3.5% हिस्सेदारी। म्यूचुअल फंड ने 10 लाख रुपए को 18 साल में बनाया 2.5 करोड़, बराबरी वाले दूसरे फंडों ने दिया रिटर्न। सेंसेक्स 1000 अंक टूटा, 16,350 के करीब निफ्टी। आईटी शेयरों में भी गिरावट, निवेशकों को 6.27 लाख करोड़ का हुआ था नुकसान। किसान क्रेडिट कार्ड की तरह एमएसएमई को मिल सकता है व्यापार क्रेडिट कार्ड, एमएसएमई की नकदी समस्या होगी दूर। निवेश से ज्यादा मुनाफा कमाने और रिस्क को कम करने में मददगार है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, निवेश चेकलिस्ट कर सकता है आपकी मदद। आरबीआई पूरे वित्त वर्ष में 0.75% तक बढ़ा सकता है रेपो रेट, आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने महंगा किया कर्ज। महंगे हो रहे खाने के तेल के दामों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार घटा सकती है टैक्स। मेडिकल शिक्षा हो रही महंगी, बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए अभी से करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग तो होंगे सफल। मुनाफा वसूली के चलते ऊपरी स्तरों से फिसला बाजार, मामूली तेजी के साथ बंद हुआ भारतीय शेयर बाजार। हैदराबाद के हार के बाद पॉइंट्स टेबल में आया बदलाव, गुजरात अब भी टॉप पर बरकरार। एमएस धोनी को पीछे छोड़ते हुए डेविड वार्नर ने कर ली रोहित शर्मा के रिकॉर्ड की बराबरी।
दिल्ली के खिलाफ मैच में दिखा भुवनेश्वर कुमार का जलवा, मेडल फेंकने के मामले में गेंदबाजी की बराबरी। लगातार तीन हार के बाद मिली जीत को आरसीबी के ड्रेसिंग रूम में भी किया गया सेलिब्रेट। दिल्ली के बल्लेबाजों ने उमरान मलिक की खूब की पिटाई, 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गेंद पर पड़ा चौका। दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर ने क्रिस गेल को छोड़ा पीछे, साथ ही कई अन्य रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए। चोटिल टाइमल मिल्स की जगह विकेटकीपर बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स मुंबई इंडियंस टीम में हुए शामिल। मुंबई के ब्रिबोन स्टेडियम पर दिल्ली कैपिटल्स ने दर्ज की पांचवी जीत, हैदराबाद को 21 रन से हराया। उमरान मलिक ने इस आईपीएल की सबसे तेज गेंद फेंकी, 156.9 किलोमीटर प्रति घंटा थी रफ्तार। एमसीसी के नए अध्यक्ष चुने गए ब्रिटेन के एक्टर और कॉमेडियन स्टीफन फ्राई, अक्टूबर में संभालेंगे जिम्मेदारी। अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड को मिली सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी, ओटीटी पर रिलीज हुई फिल्म। कानूनी शिकंजे में फंसे एक्टर सूर्या, उनकी पत्नी और जय भीम के निर्देशक कोर्ट ने दिए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। जैकलीन फर्नांडिस को सुकेश चंद्रशेखर मामले के बीच सलमान खान के साथ पार्टी करने पर किया जा रहा ट्रोल। रणवीर सिंह की फिल्म जयेश भाई जोरदार पड़ी कानूनी पचड़े में, दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर। सामंथा रुथ प्रभु की यशोदा का टीजर हुआ आउट, रहस्यमय दुनिया की दिखी झलक। अस्पताल से लौटी मुमताज ने बताई बीमारी की वजह, कहा ईरानी त्वचा और 25 साल पहले हुए कैंसर ने बढ़ाई मुश्किलें। दी कपिल शर्मा शो में कृष्णा अभिषेक ने संजय लीला भंसाली का उड़ाया मजाक, हंसते हंसते लोटपोट हुए रणबीर सिंह। रणवीर सिंह और नोरा फतेही के डांस वीडियो ने लगा दी इंटरनेट पर आग, दिखा एक्टर का जोरदार अंदाज। हिंदी सिनेमा के मशहूर संगीतकार एआर रहमान की बेटी खतीजा ने की शादी, सामने आई वेडिंग की तस्वीर। दुआलीपा के कॉन्सर्ट में पहुंची अजय देवगन की बेटी न्यासा, दोस्तों संग तस्वीरें वायरल। प्राइम शो तक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।